गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो भूतश्च गुरुश्च शुक्रशनिराहुकेतवे सर्वग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। अभी तक हमारी जो तीन क्लास हुई है, और तीन क्लास में पहली क्लास में हमने दृष्टि के बारे में, ग्रहों के क्या किस पे क्या असर होता है, कैसे वो देखता है, किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ क्या चलता है वो देखा है। दूसरी क्लास में हमने देखा है कि भाई क्या कारक तत्व हैं, किसी ग्रह के कौन से कारक तत्व हैं, और कैसे उनका कॉम्बिनेशन अगर हम लगाए राशि का या ग्रह का तो हम क्या चीजों को देख सकते हैं। तीसरी क्लास में हमने थोड़ा डिटेल में किया। अभी मेरे को लगा कि वो तीसरी क्लास बड़ी हो गई थी, उसमें कुछ डिटेल भी कारक तत्व थे और साथ में जो थे। मैं अभी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस आती है तो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, करने से वो रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आएगी। जब कोई क्वेश्चन होगा, जब मैं, या तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, या मैं जब आपसे पूछूंगा तो मैं खुद आपको अनम्यूट कर, अगर किस बीच में अगर किसी को कोई पूछना है तो वो पूछे। तीसरी क्लास में जो मैं बोल रहा था कि भाई वो लगता है मेरे को लंबी क्लास हो गई, उसमें कुछ बचे हुए डिटेल के तारक तत्व और जो राहु और केतु के बारे में मैंने बोला। राहु और केतु जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। वो महत्वपूर्ण चीजें इसलिए हैं कि हमारी जो पिछले कर्मों का हिसाब किताब है वो कहीं ना कहीं केतु से हमें पता चलता है। हम क्या लेके आए हैं, किस रास्ते पे चल सकते हैं, या आप कह लीजिए जो आपने पिछले जन्म में सबसे जो ज्यादा चीजों को भोग लिया है उनको का वहां पर केतु, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। और मुझे भी लगता है कि भाई अगर आपने जो भोग लिया है ये ऐसा नहीं है कि आपको इस जीवन में नहीं मिलेगा, बट उसको वापिस आपको लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, या उसको एक संतुलित वे में जैसे श्रद्धा पूर्वक उसको काम करना पड़ेगा, तभी वो चीज मिलती है। राहु हमें वहां मिलता है जहां पर हमारी इच्छाएं ज्यादा होती हैं इस जीवन, तो उनके हिसाब से हम देखेंगे। तो जो मैं जल्द जल्दबाजी में कहा, और कुछ मैंने सारी चीजें जो आपको बताई वो दादा और नाना से संदर्भ में बताई, या नाना या के दादा को लेके बताई। तो हर कोई चीज अपने नाना से कोरिलेट नहीं कर सकता, हर कोई चीज अपने दादा से कोरिलेट नहीं करता, तो उसका एक विशेष रूप से एक एक दो दो चीजें जो मैं समझ पा रहा हूँ उनको मैं आज आपको इस क्लास के शुरू में दोबारा रिपीट कर देता हूं, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है, आप उस वीडियो को भी दोबारा सुनिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है जो शब्द कहे गए हैं। अगर आप उसका गहराई से मतलब समझेंगे, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप लोगों का तो जो जीवन है वो तो आपको मिल चुका है, आप मैक्सिमम पार्ट उसका भोग भी चुके हैं, और आपकी डायरेक्शन दिशा और दशा, कहते हैं दिशा और दशा दोनों आप अपनी तकरीबन अपनी बना भी चुके हैं। कितना बदलाव कर ले, 10% 20%, कुछ हो सकता है ज्यादा लोग 100% भी बदलाव कर ले, मैं इस चीज के लिए मना नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन जब इस चीज को जब आप देखना चाहते हैं केतु से और राहु से, दो चीजें मैं यहाँ आपको सब सिंपल से बताता हूँ। आज आपकी क्लास में जो मैं राहु केतु को दादा और नाना के बारे में नहीं लूंगा। जो चीजें हम आंखों से देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला हमारी सबकी इच्छा प्रेम, जो अगर हमारे एक लड़का है और एक लड़की है, वो जो लड़के का प्यार है वो आंखों से, और जो लड़की का प्यार है वो दिल से है, दिल की गहराइयों से। इसी को रेफरेंस में मैंने कहा था कि राहु हमारी डिजायर है,
डिजायर मतलब इच्छा, राहु हमारी इच्छाओं को बताता है और केतु हमारे जो जड़ है, जैसे पेड़ की जड़ है जमीन के नीचे है, हमें नहीं पता वो जड़ कितनी गहरी, जितनी गहरी होगी ऐसा कहा गया है रिश्ता उतना ही मजबूत होता है पेड़ का। इसी प्रकार अगर हमारे परिवार की जड़ें मजबूत हैं तो वैसे ही हमारा परिवार भी मजबूती से खड़ा रहेगा। हाँ, वो पेड़ कैसा है, उस पे कैसे कांटे हैं, कैसे फूल हैं, वो एक अलग बात, लेकिन पेड़ की जो असली करेक्टरिस्टिक है वो उसकी जड़ें हैं। अब उन्हीं जड़ों के हिसाब से अगर हम केतु को पकड़े, पहले केतु आपकी जड़ है, आप अगर जड़ से बेटी से लगाव है तो वो बेटी लास्ट तक आपसे जुड़ी रहती है। आंखों की रोशनी घटती और बढ़ती है, आंखों से जो हम चीजें देखते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो भी घटती बढ़ती रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि जो बेटी का रिश्ता हमारे जीवन में है वो जड़ों से जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर कोई बेटे का भी जोड़ना चाहे, कोई हार्डर, कोई ये जबरदस्ती की मैं बात नहीं कह रहा कि ये केतु का रिश्ता जो बेटी से ही देखना है या जो बेटे का रिश्ता है वो राहु से ही देखना है, यानी इच्छाओं से देखना। कहने का मतलब है जो मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक दो जो अंग्रेजी के शब्द हैं, मैं इनका हिंदी में भी बता रहा हूं। मटेरियलिस्टिक मतलब जो भोग करने वाली चीजें हैं, जो भोग करने वाली चीजें हैं जिनका हम जिंदगी में आनंद उठाना चाहते हैं वो राहु से देखते हैं, और जो जिंदगी में तपस्या पाठ पूजा इनको नॉन मटेरियलिस्टिक कहते हैं, इनका जो आनंद हम उठाते हैं वो केतु से उठाते हैं। तो अगर इन्हीं चीजों को अगर लेके मैं देखूं कि अगर मान लीजिए किसी के जीवन में सबसे पहले मैं केतु से उसी रेफरेंस में शुरू कर रहा हूं, वो जो मैंने पिछली क्लास बताई थी वो सिर्फ इसलिए बताई थी कि किसी को अगर अपने खानदान को, अपने खानदान के पीढ़ियों को ठीक करना है, वो ठीक करने का कारण, ठीक करने की जो कोशिश है वो राहु केतु से ही हो सकती है। सर नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार। मैंने ये बताने की कोशिश की कि आपके जीवन में जो डीएनए जिसको कहते हैं, खून, जो जो हमारे संस्कार जो हमारे ब्लड में आता है, दादा से पिताजी में, पिताजी से मुझ में, मुझसे मेरे बच्चों, आप देखिएगा अगर ईमानदारी से चार्ट स्टडी करेंगे, जो अगर दिक्कत आपके चार्ट में है वो आपके पिताजी के में भी होगी, जो पिताजी के में भी है वो आपके दादा में भी होगी। अगर तीन जन्मों से आपके चार्ट में वो दिक्कत दिख रही है, चौथी जनरेशन में जाके उस दिक्कत को आप निजात पाना चाहते हैं, उसको छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसको बदलने के लिए तो आपको राहु केतु का ही मदद लेना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि दादा ने क्या कर दिया, नाना ने क्या कर दिया, वही हमारे जीवन में आगे चल रहा है। उन्होंने अच्छा किया तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे, उन्होंने बुरा किया होगा तो आपको हो सकता है कम अच्छे रिजल्ट मिल रहे। मैं नहीं कहता कि उन्होंने बुरा किया होगा, लेकिन उनके बुरे का आपकी कुंडली में असर दिखेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर परिवार में एक ही हो तो अच्छा होता है, उसकी आपकी पुस्तकों की चीजों की हिस्ट्री पता होती है। अगर मान लीजिए मैं एक चार्ट का एग्जाम्पल लूं, अपने ही चार्ट में, अपने चार्ट में जब देखता हूं मैं, दादा का तो मुझे पता नहीं, पिताजी का चार्ट का भी उनका मेरे को टाइमिंग नहीं पता है, लेकिन क्योंकि मैं लेट एस्ट्रोलॉजी में आया और लेट आने के बाद जब मैंने देखा कि भी ये क्या चीजें है, तो मैंने एक ही चार्ट से हम कई पुस्तों तक का विवरण निकाल लेते हैं, तो ऐसा मैंने समझा। और मैंने पाया कि हमारे यहाँ सभी के चार्ट में शुक्र पीड़ित है, किसी ना किसी रूप से शुक्र पीड़ित है। अब भैया शुक्र पीड़ित है तो शुक्र पत्नी का कारक है, शुक्र फीमेल का कारक है, खासकर शुक्र आपकी बेटी का भी कारक है, जो दूसरे नंबर की बेटी, बड़ी बेटी को चंद्रमा से देती, तो इसका मतलब वो सब दुखी होंगे। अगर आपके चार्ट में है तो उनके जीवन में कष्ट होगा किसी भी प्रकार, चाहे वो आपसे दूर रहने का कष्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल का दिक्कत हो। मैंने इसी चीज को पाया, तो इस चीज को अपनी हिस्ट्री से भी जोड़ा, मैंने चाहा कि अब मैं इसको बदलना चाहता हूं।
उसको बदलने के चाहने के लिए तो फिर मुझे किसके पास जाना होगा? राहु और केतु के पास जाना होगा। मैं राहु और केतु की रेमेडी अपने जीवन में स्टार्ट की, ताकि जो हम पैदा हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, उनके चार्ट में हैं, हम उसके असर को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर अब हम उस चीज को बिल्कुल ही चाहते हैं कि आगे वो दुखी ना करे, तो आने वाली पुश्तों को वो बिल्कुल ना दुखी करे और हमारे जीवन में भी वो दुख कम हो जाए। तो मैंने इसी करके राहु केतु की रेमेडी को एक्टिवेट किया और मैं डेली करता हूं। उससे कम से कम क्या होगा कि ये अब आगे आने वाले टाइम पे, चलो मेरी तो अभी इतनी एस्ट्रोलॉजी की जिज्ञासा बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, इसी चीज से डिपेंड करेगी कि जो मैं आता है मुझे मैं बाकी लोगों को दे दूं। तो आपके चार्ट में भी देखिएगा, किसी के में मरकरी पीड़ित होगा तो वो हिस्ट्री दिखेगी उनके, या तो व्यापार की समस्या होगी या उनके पूरे खानदान में एजुकेशन की समस्या होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन नहीं होगी, मैं ये भी नहीं कह रहा व्यापार भी नहीं होगा, लेकिन उससे आपको डिफिकल्टी आती हुई दिखाई देंगी। अगर बुध आपका पीड़ित है, दोस्त धोखा दे सकते हैं या आप दोस्तों को धोखा दे सकते हैं, आप उनसे अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगे। इसी प्रकार किसी के जीवन में हो सकता है जुपिटर ही पीड़ित हो। जुपिटर आप स्वयं हैं, जुपिटर गुरु आप स्वयं हैं, तो आपके जीवन में कठिनाइयां दिखेंगी। जिसका भी चार्ट होगा वो आपके चार्ट में दिखेंगी। जुपिटर पीड़ित होने का मतलब है कि आपका ज्ञान कम हो सकता है, आपको रिजल्ट जो है या आपको जो अच्छी चीजें हैं जीवन में देरी से मिल सकती है। तो ये सब चीजें परिवार के साथ चलती हैं, और जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के हिसाब से तारक तत्व के बाद जब मैंने ग्रह शुरू किया, इसी करके मैंने केतु और राहु किया था कि आप मेरे से जुड़े हैं, मेरे से एस्ट्रोलॉजी का सीख रहे हैं कुछ। अगर मैं आपके जीवन में 1% भी कंट्रीब्यूट कर पाया, आप मुझसे आज की क्लास में चार लोग जुड़े हैं, चार में से मैं एक के जीवन में भी अच्छा कर पाया, तो मेरे इस क्लास लेने का, आपका मेरे से जुड़ने का जो काम है वो पूर्ण हो जाएगा। इसी करके चाहे हम एक पॉजिटिविटी तो बढ़ेगी, तो उस पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए मैंने बोला कि आप जहां पर आपका केतु है आपको बलिदान करना है, आपको सेवा करनी है, आपका अटेम्प्ट यानी आपको वो काम वहां पर आपको कम से कम 3-4 बार रिपीट करना पड़ेगा। केतु आपको कहता है एक दीवार है आपके, जहां पर भी है वो केतु एक दीवार है मजबूत, जैसा टीवी में ऐड आता है ये जो ये दीवार नहीं टूटेगी, वो एक भैया वाली ऐड आती है कभी वो पेड़ लगा के कभी लगा के। तो जितनी मजबूत केतु की दीवार है आपके चार्ट में, या तो आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे, या तो सीढ़ी बना के उसके ऊपर से दूसरी तरफ जाएंगे, या उसको बिल्कुल ही आपको हवा आ जाए, आपके जीवन में खुशियां आ जाएं, तो उस मजबूत दीवार को आपको अपने कर्मों के द्वारा, अपनी मजबूती के द्वारा बिल्कुल ढहाना होगा, तोड़ना होगा। और तोड़ना भी इस प्रकार से होगा कि किसी को कष्ट ना हो आपके उस दीवार तोड़ने से, तब आपके जीवन में सारी खुशियां लौट आएंगी। ये मैंने आपको केतु का पहले रिलेशन से बताने की कोशिश की। इसी प्रकार जो राहु है, राहु आपकी इच्छाएं हैं। मैंने ये समझाने की कोशिश की, अगर आपने समझा होगा मेरे लेक्चर को, जीवन में इच्छाएं होंगी तभी हम कर्म करेंगे। अगर हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम कर्म नहीं करेंगे। लेकिन उस इच्छा को इतना मत बढ़ाइए, बढ़ाने दीजिए। राहु पॉजिटिव भी होता है, राहु नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव तब होगा जब इच्छाएं कंट्रोल्ड वे में आप उनको प्राप्त करने के लिए मजबूत अपने हाथों से काम करते हुए, अपने सारा ताकत लगाते हुए आगे बढ़ते हैं तो राहु पॉजिटिव होता है। सिर्फ आप सोचते रहते हैं, हर रोज नया दिन में विचार आता है और उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, यानी उसको प्राप्त करने के लिए वो कार्य नहीं करते, तो आपका राहु नेगेटिव होता है। फिर आपको राहु की वजह से नेगेटिव भी मिलता है। हमारे हिंदुस्तान में एस्ट्रोलॉजी में मैक्सिमम लोगों को राहु और केतु से डराया जाता है। मैं नहीं कह रहा, शायद मेरी भाषा समझ के आप भी डर रहे हो, पर मेरी वो इच्छा बिल्कुल नहीं है और मैं ना डराना चाहता हूं। इसीलिए मैं राहु और केतु को सबसे पहले पढ़ाया। पढ़ाने का मतलब 9 ग्रहों में सबसे पहले इसलिए पढ़ाया कि
कि आपके सबसे पहले जो भी आपके विचार आए राहु और केतु को लेके, उनको आप और अपने क्लियर कर लीजिए, अपनी जो विचार है उनको और सुलझा लीजिए। आप में से बहुत लोग जो एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, मुझे पता है जब कोई एस्ट्रोलॉजी में आता है वो चाहे ना चाहे एक बार भगवान का नाम जीवन में लेता है। जब वो भगवान का नाम जीवन में लेने लगता है, एक दिन, दो दिन, हफ्ता, दस दिन, महीना, साल, तो उसको उसका जो कनेक्शन है वो ईश्वरीय शक्ति से बनने लग जाता है। अब वो इसको ईश्वरीय शक्ति से जब कनेक्शन बनेगा तो उसकी मदद के लिए कोई ना कोई तो ईश्वर रास्ता खोजेगा। जब वो आपको मदद लगने लग जाती है तो समझो आपका केतु एक्टिवेटेड है। और जब तक आप उस पूजा को बगैर रिजल्ट मिलने तक कंटिन्यूसली कर रहे हैं, रिजल्ट मिलने के बाद भी कर रहे हैं, वो आपकी इच्छा है। और वो इच्छा रिजल्ट मिलने से पहले भी कर रहे हैं, परिणाम आने से पहले भी कर रहे हैं, परिणाम आने के बाद भी कर रहे हैं, वो आपका पॉजिटिव राहु है। इसीलिए मैंने कहा अगर किसी की कुंडली में, अगर मान लीजिए तीन जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है उस चीज में चलता हूं मैं, आज मैंने यहां पर आपकी कुंडली में ये लिखा है, या सॉरी कुंडली कह रहा हूं, स्लाइड में ये लिखा है कि जो हमारे जीवन में तीन हिस्से हैं, भाग्य निर्माता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेस्टिनी मेकर, जो निर्माता होता है वो निर्माण करता है। आपके भाग्य का निर्माण कौन करेगा? आप ही खुद ही करेंगे एज ए इंसान तो। लेकिन जो ग्रह आपके भाग्य का निर्माण करने में आपको मदद देंगे वो सूर्य, शुक्र और बुध देंगे। जो दूसरे नंबर पे लिखा है भाग्य संशोधक, भाग्य संशोधक का मतलब है आपका जो भाग्य है, जो आपकी किस्मत है, उसको बदलेगा कौन? बदलेगा मंगल और चंद्रमा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेस्टिनी मॉडिफायर। आपकी भाग्य जो चल रहा है आज की डेट में, उस भाग्य से आगे आने वाले जो भाग्य है, आगे आने वाला जो समय है, आपका अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, ये सब आपकी कुंडली के मंगल और चंद्रमा से ही पता चलता है। तीसरा जो शब्द है वो है भाग्य विघ्नहर्ता। भाग्य विघ्नहर्ता, आपके विघ्न जो जिंदगी में आ रहे हैं उसको बोलते हैं, हर्ता को तो बोलेंगे आपकी कष्ट हट जाए, हर लिए जाए, जैसे गणेश भगवान को बोलते हैं कि आपके विघ्न हर्ता। तो इसी प्रकार अगर आपकी किस्मत रुकी हुई है, आपकी किस्मत की जो रुकावट है, इसको बोलते हैं डेस्टिनी ब्लॉकर। डेस्टिनी ब्लॉकर यानी आपकी किस्मत को रुकावट, वो आपकी किस्मत में रुकावट जो राहु और केतु हैं। आप स्वयं गुरु हैं, जैसा मैंने लिखा है इसमें बराबर में, आप स्वयं गुरु हैं और जो आपका कर्म है वो शनि है। यहां पर लिखा है शनि हमारा कर्म है, इस जीवन में जब हम आए हैं तो हमें कर्म करने ही हैं। और जीवा जो जीवन है, जो हमें वो कर्म करते हुए अपने रण को उतारना है, वो जीव जो हम हैं वो गुरु हैं। तो यहाँ पर एक सूर्य, शुक्र और बुध तीन, मंगल चार, चंद्रमा पांच, राहु छह, केतु सात, शनि आठ, गुरु नौ। नौ ही तो ग्रह हैं, नौ ग्रह का मैंने यहाँ पर आपको लेखा जोखा बताया। और इसी करके जो लोग इससे डरते हैं, ये राहु केतु आपको पहले बताया, भाई कोई भी काम करना है, अगर आपको बर्तन भी धोने हैं तो वो बर्तन इस तरह से धोइए कि उस पर कोई गंध ना रहे, अलट पलट के देखिए, तो आप समझिए केतु का काम कर रहे हैं। जड़ तक, गहराइयों तक जाकर आप देख रहे हैं कि बर्तन साफ हैं कि नहीं है। आप पढ़ने का काम करते हैं, पढ़ने के काम में जब आप मैथमेटिक्स का पहाड़ा ही सीख रहे हैं, दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तीये छह, दो चौके आठ, इसकी गहराइयों तक जाइए कि ये दो कैसे गुना हो रहा है, कैसे दो जुड़ता जा रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप अपने केतु को एक्टिवेट करेंगे गहराई में जाकर।
उसकी जड़ तक कारण के साथ आप सीखेंगे। अगर आप सिर्फ रट्टे मार के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, उन्हें उसका कोई मतलब नहीं पता होता, वो शुरू से ही अपना राहु एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि उनका मतलब है उन्होंने तोते की तरह रट लिया, जब उनसे पूछा गया तोते की तरह उन्होंने रिपीट कर दिया, और जब एग्जाम दे दिया फर्स्ट भी आ गए, लेकिन बाद में उसका मीनिंग नहीं पता चलता। जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ती है, उसका उनका योग जो पिछले जो सीखते जाते हैं उसको भूलते जाते हैं, आगे पढ़ते चले जाते हैं, तो वो गहराइयों तक शिक्षा नहीं गई, उसने अपने जीवन में वो शिक्षा नहीं उतारी। आप देखेंगे जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पिताजी हैं या मेरे पिताजी से बड़े हैं, वो उनको सवा का पहाड़ा भी आता है। सवा का मतलब 1.25, तो सवा का करेंगे सवा एकम, सवा सवा दूनी ढाई, ढाई का इसी से सवा पौने तीन पौने चार, इस तरह से उनको वो पहाड़े भी आते हैं। हम आजकल किलो का नहीं पता, हम किलोग्राम केजी की ही बात करते हैं। अगर आप किसी को कहो कि भाई 250 ग्राम कुछ लिया हो या 750 ग्राम लिया हो, वो उनको ये समझना हर बच्चे की बस की बात नहीं है कि 250 किलो का कितना है या 750 कितना है। इसका मतलब वो राहु वाला ही काम कर रहे हैं, केतु वाला नहीं कर रहे। तो इसी करके जो मैंने अभी आपको फिर दोबारा मैं बताना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैं पहला ग्रह ले लूं केतु प्लस जुपिटर, तो आप अपने इस जीवन में देखिए उस जातक का गहराइयों तक जाके अगर वो मोक्ष प्राप्त करने की शिक्षा में लग जाता है तो उसका जीवन अच्छा होगा। वही जातक वहां पर सिर्फ अपने काम से काम रखता है और किसी के लिए सेवा भाव नहीं रखता, क्या जिंदगी में चल रहा है उसको गहराइयों से नहीं सीखता, तो वहां पर वो केतु की जगह जुपिटर एक्टिवेट कर लेगा। उसकी इच्छाएं तो उसकी पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद में चल के उसकी थिंकिंग है, उसमें आगे चल के थिंकिंग यानी विचार, उसके विचारों में हमेशा ये रहेगा कि मुझे अपने लिए चीज प्राप्त करनी है। आज एक चीज प्राप्त करेगा, 2 साल बाद 4 चीज प्राप्त करेगा, 3 साल बाद उसकी 6 चीजों की इच्छाएं हो जाएंगी। क्या इतनी जब जुपिटर और राहु एक्टिवेट कर लेगा, गुरु और राहु को एक्टिवेट कर लेगा, क्या उसकी हमेशा भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए बैठे हैं क्या, या संसार में सब चीजें उसी को मिलेंगी क्या? तो लेकिन वही बंदा अगर वो अपने धर्म कर्म के हिसाब से पाठ पूजा करते हुए, दूसरों को पहले पूछते हुए अगर जिंदगी में आगे बढ़ता है, उसकी इच्छाएं कम होंगी, इच्छाएं कम होंगी तो उनके लिए उसको दूसरों को शेयर करने की, अपने हिस्से की भी चीज वो दूसरों को देना पसंद करेगा। हाँ, तब आप कह सकते हैं कि इसके जीवन में कम से कम वो दुख में भी सुख ढूंढ रहा है, तो उसके लिए कोई ये चीजें नेगेटिव रिजल्ट या आप कह सकते हैं बुरा असर देती हुई नहीं दिखेंगी। आपने इसलिए देखा होगा कुछ पुराने टाइम के लोग हैं, वो उनको किसी भी कष्ट में रख दो, कुछ खाना कैसा मिला, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रोटी नमक के साथ खा के उन्होंने जवानी से बुढ़ापे तक का गुजारा किया है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तीनों टाइम अलग सब्जी बना के किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर क्या चीज है, लेकिन अगर तीनों टाइम जिसके घर में 3 टाइम पे अलग सब्जी बनती है, ताजी सब्जी बनती है, माफ कीजिएगा कि वो मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूँ, आप लोगों को शायद अच्छी नहीं लगेगी, आप समझिएगा कि उस परिवार की इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो धार्मिक कार्य करते हैं पर वो 3 टाइम नहीं खाते, कुछ वो 1 टाइम खाते हैं या 2 टाइम खाते हैं, या इस तरह से उनका अपना वो एक अलग कंसेप्ट है अगर खाने से ही जोड़ेंगे। तो यही कहने का मतलब है कि आप अपने आज के टाइम पे अगर केतु प्लस जुपिटर यानी केतु प्लस गुरु का कॉम्बिनेशन चार्ट में है, तो अब जब तक आप लोगों के साथ चीजें शेयर करेंगे, उनसे अटैचमेंट नहीं करेंगे, जैसे हम शादी के बाद लड़की को दूसरे घर में भेज देते हैं, उससे हमारी अटैचमेंट दिल से तो जुड़ी है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि वो हमारा काम करेगी या हमारे को हम उससे उससे कुछ पैसे चाहिए उसके ससुराल से, लेकिन यही काम हम बेटे से उम्मीद करते हैं। बेटा अगर कहीं सेट भी हो जाए, आज के टाइम पे सब लोग वेल ऑफ हैं, हो सकता है हर माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा उम्मीद करते हैं कि बच्चा उनको बदले में, चाहे वो उसको ही वापिस लौटा दें, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि बच्चा उनके हार देने में कुछ उनको सपोर्ट करे, उनके लिए आके कुछ हिस्सा दे।
सब कुछ वो अपनी पत्नी को ना दे। तो इसका मतलब हमारी इच्छाएं जागृत हो गई, इच्छाएं जागृत हो गई तो जुपिटर प्लस राहु हो गया, इच्छाएं जब तक नहीं थी तो जुपिटर प्लस केतु हो गया। इसी प्रकार अगर मैं आज क्लास में देखिए, दो मेरे अलावा दो फीमेल भी हैं और दो मेल मेंबर हैं, तो मैं माफी चाहूंगा कि आपको कोई ऐसा शब्द लगे, लेकिन संसारिक जीवन है, संसारिक जीवन के हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है केतु प्लस शुक्र, केतु प्लस शुक्र तो इसके बराबर में केतु राहु प्लस शुक्र भी होगा। अब कुछ लोग कुंडली में कह देते हैं कि केतु प्लस शुक्र जब होता है तो विवाह में कठिनाइयां आती, और राहु प्लस शुक्र हो तो बंदे की जो फिजिकल नीड है, जो शरीर की जो जरूरतें हैं, अगर वो बढ़ जाएं तो वो उसको कहीं से एक जगह से इच्छा पूर्ति नहीं भी होती तो वो अपनी जरूरतों को कहीं और से भी करता है। अब इसी चीज को अगर आप देखिए, कॉम्बिनेशन तो एक ही है ना, राहु केतु एक्सेस में ही वो दो बार आया, एक 110% का सपोर्ट कर रहा है सामने बैठ के, एक साथ बैठा होगा वो 100% कर रहा है। 100% रिजल्ट मिले या 110% रिजल्ट तो मिलेगा ही। अब उस केस में अगर वही बंदा, कुछ लोग जैसे मैं भी बताऊंगा आपके कि कहीं पे अगर शुक्र और केतु का आ जाए तो ये आता है कि बच्चे का तलाक भी हो जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अब मैं उसके कहूं कि भी तेरा तलाक हो जाएगा, इसके बजाय मैं उसको ये कहूं बच्चे शादी को निभाने के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपनी इच्छाएं कम करो तो उसकी शादी निभ जाएगी। मैं उसे कहूंगा बेटा कुछ दिन अपने पति से दूर चले जाओ या कुछ दिनों के लिए अपने संबंध को रोक लो। किस तरह से वो रेमेडी की फॉर्म में करते हैं, किस तरह से वो इस बात को समझते हैं, वो उनकी मर्जी। तो यहीं पर जो आपको शादी टूटते हुए दिख रही थी, या आप शुक्र से पैसा लेते हो और केतु उसके साथ बैठा है, तो मैं कहूं बेटा अपने पैसे को जरा सोच समझ के कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्च करना है और कितना खाने पे करना है, कितना जमीन जायदाद पे करना है, सोच समझ के करो तो उसका पैसा भी रुक जाएगा। और वहीं पैसा आया, चलो आज होटल चलते हैं, आज थोड़ा सा लग्जरी वाला खाना खाते हैं, आज थोड़ा नशे टाइप वाला खाना खाते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो वो राहु प्लस शुक्र हो जाएगा। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मुझे रियलाइज हुआ, मुझे क्लास लेके आज जब मैं 8 बजे तक मेरे यहाँ बिजली नहीं थी, 8 बजे के बाद बिजली आई तो मेरे को अचानक ये ध्यान में आया कि मैंने जितनी डिटेल में उनको पिछली क्लास में पढ़ाया है, हो सकता है उनके पास कोई विचार उनको समझ में ना आया, पता नहीं मेरे क्यों आया था, कि उनको डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई सब कुछ दादा से पढ़ा दिया, सब कुछ नाना से पढ़ा दिया। वो आपको क्लास इसलिए पढ़ाई थी कि आप अपने पूरे परिवार का जीवन उसको समझ के, इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं उस लेक्चर को बार बार समझना। अगर कोई चीज ठीक करनी है तो आपको राहु केतु से ही ठीक करनी होगी, जड़ से जो ठीक करनी है वो राहु केतु से ही करनी होगी। तो इसी प्रकार आज मैंने आपको केतु प्लस गुरु, राहु प्लस गुरु, शुक्र प्लस केतु, राहु प्लस शुक्र, इनके एग्जाम्पल दिए। इसी प्रकार अगर बुध एजुकेशन है, बुध का कॉम्बिनेशन मरकरी के साथ आ जाए या राहु के साथ आ जाए, तो जो मरकरी को बुध बोलते हैं हिंदी में और राहु केतु को तो राहु केतु बोलते हैं, तो अगर राहु का कॉम्बिनेशन बुध से आ जाए तो हम कह सकते हैं उसकी शिक्षा को पढ़ते टाइम उसके बदलाव हो सकता है, उसकी एक्सपेंशन हो सकती है एजुकेशन। अगर वो एजुकेशन उसके दिमाग में एक्सपेंशन की बढ़ गई, चाहे वो चीटिंग से बढ़ गई, चाहे वो पराक्रम से बढ़ गई, तो उसके दिमाग को थोड़ा सा भारी कर सकती, या मरकरी प्लस केतु आ जाए तो उसके एजुकेशन में रुकावट आ सकती। तो मरकरी प्लस केतु में भी रुकावट है, मरकरी प्लस राहु में भी रुकावट है। वो रुकावट, केतु वाली जो रुकावट है वो दीवार वाली है, वो आगे बढ़ ही ना पाए या उसको एक कक्षा दोबारा करनी पड़े, रिपीट करनी पड़े, फेल हो जाए। राहु वाली अगर वो रिपीट करता है, राहु वाली वो अगर राहु के में, अग्रवाल जी क्लास चल रही भाई, तो अगर मरकरी प्लस राहु वाली है
वो बंदा चीटिंग कर ले, चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए एग्जाम में, तो भी 1 साल से 3 साल आपने सुना होगा डिबार कर देते हैं एग्जाम में। या वो अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कहीं पे रेगुलर पढ़ रहा है और साथ में कहीं पे और कोर्स भी सीख रहा है, वो उसकी डिजायर को भी बढ़ा सकता है। तो उसकी डिजायर जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो अगर उसने नहीं कंट्रोल किया तो वो दोनों को अच्छे से सीख नहीं पाएगा, या एनर्जी जहां पर एक टाइम पे लगनी चाहिए एक काम पे उसको नहीं लगा पाएगा। ऊर्जा, आपकी ऊर्जा जो आप एक काम एट ए टाइम करें, एक काम एक समय करें, आप अच्छे से कर सकते हैं। एक काम अगर आप दो जगह करें तो आपकी जो ऊर्जा है उन पे अलग अलग जगह लग जाती है। तो इतना ही मेरे को कहना था पिछली क्लास के बारे में, और इतना ही बताना था ताकि आप पिछली क्लास को और आज की क्लास को आप योगदान समझ के या उसका मतलब समझ के, आप दादा नानक का मतलब खाली राहु केतु नहीं होता, जो राहु केतु अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तारकों को भी पढ़ा रहा हूँ, चार्ट में भी पढ़ाऊंगा, तो आप इस तरह से उसको जोड़ सकते हैं। आज की जो क्लास है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज आपका गुरु का। गुरु यानी आप खुद जीव, और शनि यानी आपका कर्म। आज की क्लास में मैं आपको सारे कॉम्बिनेशन जुपिटर यानी गुरु के और शनि के बताऊंगा। तो जैसा आप जानते हैं सूर्य आत्मा का कारक है, बृहस्पति जीवन का कारक है आप खुद, मंगल देह का कारक है, शनि कर्म का कारक है, बुध बुद्धि या इंटेलिजेंस का कारक है, चंद्रमा आपके मन या विचार का कारक है, शुक्र आपका भोग आराम का कारक है, राहु माया या भ्रम का कारक है, केतु अध्यात्म की तरफ बढ़ने का या अध्यात्म से आगे रोकने का रास्ते को इंडिकेट करता है। तो ये सब चीजें, मैं आपको पीछे वाली दो चीजें, सबसे पीछे केतु लिखा था और उसके बाद राहु लिखा था, तो सबसे पहले मैंने केतु ही पढ़ा। केतु को मैंने पीला रंग दिया है, गुरु को भी आप कह सकते हैं पीले जैसा, या आप कह सकते हैं जो केसरिया रंग दिया है। ये जीवन में इसलिए दिया है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको इसी तरीके से सीखने की प्रभाव से अगर आप रखेंगे तो आपके जीवन के वैसे ही कष्ट हो जाएंगे। और ये जो लाल रंग से लिखे हैं इनको कंट्रोल करने की आपको जरूरत है। आत्मा को भी आपने शुद्ध रखना है, शरीर को भी आपने शुद्ध रखना है, और भ्रम से आपने बचना है, इसलिए तकरीबन लाल कलर से दिए। कर्म, काम करते टाइम आपको अपना मन लगाना है, काम जो भी हो उसमें मन लगाना है, वो नीले अक्षरों से मुझे लिखने का कोशिश किया है। अब जब हम काम करेंगे तो उसमें थोड़ा आराम भी जरूर है, काम से जो हमें धन प्राप्त होगा उससे हमें थोड़ी अपनी इच्छाएं भी पूर्ति करनी चाहिए, भोग, इसलिए शुक्र को भी बैंगनी रंग से दिखा है। और जो हरे रंग से लिखा है वो एक हरी झंडी है। हरी झंडी का मतलब लगातार जीवन में आपने इससे संबंधित काम करना है, वो है बुद्धि। बुद्धि का 24 घंटे जब तक आपका जीवन है, बुद्ध आपका हंसी का भी कारक है, बुद्ध आपके हंसने का कारक है, बुद्ध आपके खेलने का कारक है, बुद्ध आपकी सांसों का कारक है, बुद्ध आपके लगातार ज्ञान अर्जित करने का कारक है, इसलिए इसको हरी झंडी से नोट किया हुआ है। इसको लगातार काम पे लाना है बगैर किसी गैप के, शुद्ध रूप से। अब यहां पर ये वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनका यूज करते हैं, लेकिन मैंने यहां इसलिए इनको लिख दिया क्योंकि कर्म मैंने राहु और केतु से बताए थे। जैसा पिछली क्लास में बताया कि चंद्रमा के दो नोड हैं, नॉर्थ नोड साउथ नोड, यानी चंद्रमा के अंदर सारी इंफॉर्मेशन, आपके विचार, आपके पिछली हिस्ट्री सारी चंद्रमा यानी पानी, आपकी जो मेमोरी याददाश्त शक्ति, वो सब कुछ राहु केतु एक्सिस में है। उसी से जो संचित कर्म आपको मिले, जो इस जीवन में आप काम शुरू करोगे प्रारब्ध, या जो आगे आने वाले जीवनों के लिए अच्छा कार्य करोगे आगामी कर्म,
वो सब यहाँ पर मैंने लिखा है इसी करके कि तीन कर्म, ये संचित कर्म जो मिल गए आपको उनके हिसाब से आपकी करेक्टरिस्टिक, आपकी काम करने की शक्ति। अगर आज आप इस जीवन में साधु हैं तो पिछले जन्मों का संचित कर्म आपका ऐसा है कि आपको साधु के विचार देके आगे चलना। अगर मान लीजिए मैं इस जीवन में गुरु का काम कर रहा हूं, यानी ज्ञान बांटने का काम कर रहा हूं जुपिटर का, अब मैं जुपिटर का काम चाहे अच्छे रूप से कर रहा हूं चाहे बुरे रूप से कर रहा हूं, लेकिन ज्ञान बांट रहा हूं। अब वो ज्ञान बांटते हुए वो मेरे संचित कर्म के हिसाब से ही है, क्योंकि मैं जब से मैंने कर्म करना शुरू किया है मैं टीचर का ही काम कर रहा हूं। अब वो टीचर का काम, वो मेरा गुरु किस राशि में बैठा है उस हिसाब से डिपेंड करेगा, किसके साथ बैठा है उससे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए वो संचित कर्म को इंडिकेट करता है। और जो मैं अपनी जीविका चलाने के लिए, जो अपने कर्मों को काटने के लिए जो काम कर रहा हूं वो प्रारब्ध कर्म से है, और जो आगामी कर्म जो मेरी पिछले कर्मों का नेगेटिव या पॉजिटिव, प्रेजेंट कर्मों का नेगेटिव और प्रेजेंट, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी अच्छा और बुरा, पिछले जन्मों के कर्मों का अच्छा बुरा, इस जन्म के कर्मों का अच्छा बुरा, जो मेरा बचा हुआ जो हो रहा है इकट्ठा वो आगामी कर्म में हो रहा है। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूं संचित कर्म को आप केतु पकड़ लीजिए, प्रारब्ध कर्म को आप शनि पकड़ लीजिए, आगामी कर्म को आप राहु पकड़ लीजिए और अपने कर्मों को समझ जाइए। आप अपना देख लीजिए और उसी हिसाब से करिएगा। मैंने अपने जीवन में क्यों अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरा केतु तीन नंबर में है, तीन नंबर राशि मिथुन की है। अब आपको अगर अच्छे से आपने मेहनत से मेरी वीडियो तीन नंबर की देखी होगी तो उसमें आपको पता है मिथुन क्या है। कोई बताएगा मिथुन क्या है, याद है या मैं तो बता ही दूंगा, लगातार बोल रहा हूँ और मेरे क्योंकि आवाज आती थी, कम्युनिकेशन, वाणी, इंटेलिजेंस। हाँ, तो आप समझिए जो केतु है वो मिथुन में बैठा हुआ है, मेरे पुराने कर्म किस में बैठे, मिथुन में बैठे, यानी मुझे लोगों को बताना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है, मैं क्या कर रहा हूं अभी आपसे, क्या कर रहा हूं, अपने विचार साझा कर रहा हूं ना, जो इतना जो मैं आपको कंटिन्यूअसली मेरी 8:30 या 8:32 के आसपास क्लास हुई होगी और अभी 9:08 हो गए हैं, अगर 9:08 हो गए तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट से मैं बोल रहा हूं, किस बारे में बोल रहा हूं, किस किताब से पढ़कर बोल रहा हूं, किस किताब से पढ़कर बोल रहा हूं, किस बारे में बोल रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, लगातार कम्युनिकेट कर रहा हूं, अपने विचारों को आपसे साझा कर रहा हूं। अब आप मेरे विचारों से इंप्रेस्ड होंगे या नहीं इसकी मैं बात नहीं कर रहा, आप ये देखिए कि मेरे पुराने संचित कर्म क्या थे, मैं बोल तो रहा हूं ना भाई, आपको कम्युनिकेट तो कर रहा हूं ना। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए जो मैं बोल रहा हूं, शनि, शनि शुक्र, मैंने कहा इस जीवन का कर्म 2 नंबर की राशि में है, 2 नंबर की राशि क्या है, करेक्टरिस्टिक लिखा है, आप याद कीजिए चार्ट से पढ़िए 2 नंबर में क्या लिखा, वृषभ राशि का कारक क्या लिखा, कंटिन्यूअस, लगातार, जैसे जल नदी में बहता है लगातार निर्मल तरीके से बहता है, या कोई कहीं कुछ चीज जिस जहां पर आपको लगातार करनी हो, तो मेरा शनि अगर 2 नंबर में है तो वो क्या कह रहा है कि मेरा इस जीवन का लगातार काम करना ही मेरा वो है। जब मैंने छोड़ दिया तो मैं दुखी था, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बाद में देखेंगे, शुक्र से सब लोग पैसे को पीछे पड़ जाएंगे, शुक्र और तुला जो राशि है पैसे की राशि, अरे भाई पहले समझो कर्म करोगे तो जब कर्म का करते करते पैसा भी आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी फिलहाल तो पिछले 4-5 साल से पैसा बंद है, पिछले 4-5 साल से, अरे कपिल उधर छोड़ो तुम इधर ध्यान लगा, उनको घर में, मेरे भी घर में ऐसी रहता, चिंता मत करो, तुम्हारा घर और मेरा घर सेम, चिंता मत करो, तुम सिर्फ मुझ में ध्यान लगाओ, ये जो पैसे दिए हैं आप ईमानदारी से सोचो, मेरी क्लास ले रहे हो आपको 1000 रुपए की पड़ रही है,
और 1000 में आप इधर उधर अपना दिमाग ढाल लोगे ना तो आपको नुकसान हो जाएगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप सोचो बाकी कोई है ही नहीं, आप और मैं ही हूं। तो जब इस तरीके से ध्यान लगाओगे तो आपको पता चलेगा क्यों मैं आपको ऐसा बोला। अब सोचिए क्यों आपको बोला कि जब आप भूल जाइए, शनि मेरा कर्म है प्रेजेंट, वो लगातार करना है। मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ मेरे में ध्यान रखिए, और आपको बता भी रहा हूं एक क्लास 2 घंटे की आपको 1000 रुपए की पड़ रही है, इसमें से कुछ तो ऐसा ग्रहण करना है ना जब आगे चल के आप इससे 1000 रुपया वसूल कर पाओ। कितना कर पाओगे, किस रूप में कर पाओगे, वो बाद की बात है। इसलिए आप चिंता मत करो, जब कोई चीज सीखनी है आप जल के अंदर समाधि लगा लो, पहाड़ों पे जाके तपस्या कर लो, या आप घर में जो आप मेरी बात सुन रहे हो ये भी कोई तपस्या से कम नहीं है। दूसरे की बात सुनना सबसे बड़ी तपस्या है, हर कोई नहीं सुनता। तो लेकिन जब आपके जीवन में इस चीज को गहराई से समझ लोगे, तो मैंने आपको बताया केतु 3 नंबर है, कर्म क्या है, संचित कर्म बोलने का, शनि 2 नंबर में बैठा है भाई लगातार काम करने का। जब जब मैंने काम करना बंद कर दिया तब तब मेरा कल्याण होने की बजाय नुकसान हो गया। लेकिन ये बातें मुझे समझ में आई 48 साल के बाद। लेकिन जब मुझे समझ में आई तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों को जो आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उनको इस जीवन में भी समझ नहीं आई होगी। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं उनसे बड़ा हूं या वो मैं उनसे छोटा हूं, नहीं, पर मेरा ये बात है कि अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा जीवन की कुंडली क्या बोल रही है, मेरे ग्रह क्या बोल रहे हैं। अगर मैं और ना मुझे पर पैसा मिले ना मेरे रिश्ते निभे, लेकिन अगर मैं इन दोनों चीजों को समझ गया हूं तो क्या मिलेगा मुझे, मेरे कर्म कट जाएंगे, कर्म कट जाएंगे तो मैं मोक्ष के रास्ते पे चल पड़ूंगा, और ईमानदारी से चलूंगा तो और जल्दी कट जाएंगे, अगर भटकूंगा तो फिर दोबारा इसी मरण चरण के चक्कर में चलेंगे। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि आज अगर आप फैमिली वाले हैं, आपकी शादी हुई है, पत्नी के प्रति आपकी जिम्मेवारी है, उससे पहले माता पिता के प्रति जिम्मेवारी है, उससे पहले आपके समाज के प्रति आपकी जिम्मेवारी है, आपके खानदान के प्रति आपकी जिम्मेवारी है, फिर उसके पास आपके बाद पुत्र की आगे जिम्मेवारी है या बच्चे की जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारियों से तो आप ये जो शनि जहां बैठे होगा उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा वो देखिएगा, लेकिन मैं ये अपने चार्ट से बता रहा हूँ और झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चार्ट आपको दिखा भी दूंगा आज की क्लास में, जो मैं आपको अपना चार्ट है अभी तक आप लोगों के पे डिस्कस किया, आज आपको अपना भी दिखा दूंगा। क्योंकि मुझे क्या छिपाना है, ना मुझे किसी से आगे बढ़ना है, ना मुझे मुझे कोई चिंता ही नहीं। मेरी चिंता दूर हो जाती है जब मेरी कोई बात को मेरे को सिखाना, मैं समझता हूँ मेरा कर्म कटेगा, और इसलिए कटेगा क्योंकि जो मैं आज 3 चीजें बता रहा हूँ इसी के साथ हूँ। अब राहु मेरा कहाँ हो गया, आपको केतु भी समझ में आ गया, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म सैटर्न शनि वो भी समझ में आ गया, आगामी कर्म वो मान लीजिए राहु है, मेरा 9 नंबर की राशि में है, 9 नंबर की राशि मैंने सजिटेरियस धनु आपको क्या लिख के दिया, धनु राशि जो है वो टीचर की राशि है, गाइड टीचर की राशि है, ज्ञान शेयर करने की राशि है। आज मैं क्या कर रहा हूं वो तो मैं पहले बच्चों को पढ़ा रहा था, ज्ञान दे रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब बच्चों को पढ़ाया 20 साल, और एक दिन में 4 से 5 लेक्चर होते हैं, अगर मान लीजिए कॉलेज में जाओ तो 9 घंटे 8 घंटे का कॉलेज है, तो उसमें आपको 3 से 4 घंटे आपको बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा कम से कम, 2-4 घंटे उनसे संबंधित काम भी करना पड़ेगा। काम तो मैं पहले भी वही पढ़ाने वाला कर रहा था, लेकिन एक किताब पढ़ के, टेक्निकल किताब पढ़ के वो गुरु नहीं है, वो टीचर है। गुरु क्या है, जो ज्ञान की बात बताए, ज्ञान जिससे वो निचोड़ सके। वो इंजीनियरिंग का भी ज्ञान था, लेकिन अब अगर मेरे को ये समझा है आगामी कर्म करने के लिए, जब मेरी नौकरी छुटी और या मैंने खुद छोड़ी तो मुझे ज्ञात हुआ कि भाई राहु का काम है वो धर्म का प्रचार करना भी है, 9 नंबर की राशि आपका धर्म है, तो इसका मतलब मुझे अपने को धर्म के प्रति कार्य करना था, तभी वो सिचुएशन आई। अब मैं आपको ये तीनों का इसलिए बताया कि आप भी अपने चार्ट पे देखिएगा, इसी करके मैंने केतु पहले पढ़ाया, शनि आज पढ़ाने जा रहा हूं, और राहु आपको पढ़ा दिया। अब इस चार्ट को 2 मिनट के लिए मैं रोकता हूं, यहीं से मैं आपको शुरू करूंगा,
लेकिन इसमें एक चीज देखिए, आज मैं टीचर का काम कर रहा हूं, ज्ञान का कर रहा हूं, तो आगामी कर्म का यानी जो अब मेरा जो कष्ट है वो तो मैंने भोगना ही है, लेकिन क्या चीज ठीक कर रहा हूं अगले जीवन आगे, को, आगे के कर्म। हाँ, अगर मैं इसको समझ गया, लेकिन ये आगे के कर्म मेरे होंगे कब, जब मैं बिल्कुल सही रास्ते पे। इसी करके मैं सारे वीडियो में क्या कहता हूं, जो मेरे पास ज्ञान है आपके लिए मैं छुपाऊंगा नहीं और दूसरों को देना है। और ये बात भगवान कृष्ण ने महाभारत के टाइम में पढ़ोगे या कहीं और उनका रेफरेंस गीता के उपदेश में या कहीं पे भी पढ़ोगे, उन्होंने एक ही कहा, जो बोओगे वही काटोगे, कर्म करने आए हो तो अब हम अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छी फसल काटेंगे ना। अब आपको यहाँ पर